बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ओल्ड मैन एंड द सी के टेक्स्ट ट्रांसलेशन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स समवन वुड स्पीक इन अ बोट, कभी कभार किसी कश्ती में कोई शख्स किसी के बोलने की आवाज़ आती। बट मोस्ट ऑफ द बोट्स वर साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिप ऑफ द ओर्स, लेकिन ज़्यादातर कश्तियों में खामोशी थी, मसवाए कभी कभार चप्पू के चलने की आवाज़ों के जो आ रही थी। द स्प्रेड अपार्ट आफ्टर देवर आउट ऑफ द माउथ ऑफ द हार्बर, बंदरगाह के मुंह से निकलने के बाद वो सारे अलग अलग फैल गए। एंड ईच वन हेडेड फॉर द पार्ट ऑफ द ओशन वेयर ही होप्ड टू फाइंड फिश, और हर कोई समंदर के उस हिस्से की तरफ उसका रुख था जहाँ उसे उम्मीद थी कि उसे मछली मिल सकती है। द ओल्ड मैन न्यू ही वॉज गोइंग फार आउट, बुरा शख्स जानता था कि वो बहुत दूर जा रहा है। एंड ही लेफ्ट द स्मेल ऑफ द लैंड बिहाइंड, और उसने ज़मीन की खुशबू पीछे छोड़ दी थी। एंड रोड आउट इनटू द क्लीन अर्ली मॉर्निंग स्मेल ऑफ द ओशन, और समंदर की सुबह आने वाली साफ़ सुथरी खुशबू में वो बहुत आगे निकला जा रहा था। He saw the phosphorescence of the gulf weed in the water. उसने gulf weed है समुद्री जड़ी बूटी की चमक देखी पानी में। As he rode over the part of the ocean, जब वो समंदर के उस हिस्से पर पहुंचा, that the fishermen called the great well, जिसे मछेरे अजीम कुआं बुलाते थे, where because there was a sudden deep of 700 fathoms, क्योंकि वहां पर अचानक गहराई 700 फैदम हो जाती थी। वेर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिश कॉन्ग्रीगेटेड, जहाँ हर किस्म की मछली जमा होती। बिकॉज ऑफ द स्वेल ऑफ द करंट, पानी के लहरों के भंवर की वजह से, मेड अगेंस्ट द स्टीव वॉल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओशन, जो कि वो समंदर की ज़मीन की तिरछी दीवारों के गिर्द बनाते। हेयर देयर वर कंसनट्रेशन ऑफ श्रिम्प्स एंड बेट फिश, यहाँ पर ज़्यादातर झींकों और चारा मछलियों का मजमा होता, या वो ज़्यादा तादाद में होती। एंड समटाइम्स स्कूल्स ऑफ स्क्विड, और कभी कभार छोटी मछलियाँ भी वहाँ मौजूद होती इन द डीपेस्ट होल्स, गहरी खाइयों में। एंड दीज रोज क्लोज टू द सरफेस एट नाइट, और रात के वक़्त वो ऊपर सतह पर आ जाती। वेयर ऑल द वैंडरिंग फिश फेड ऑन देम, और जहाँ आकर तमाम घूमने वाली मछलियाँ, आवारा मछलियाँ वहाँ आकर उन्हें खाती। इन द डार्क द ओल्ड मैन कुड फील द मॉर्निंग कमिंग, अंधेरे में ही बुरे शख्स को सुबह का आना महसूस हो रहा था। एंड एज ही रोड ही हेयर द ट्रैवलिंग साउंड एज फ्लाइंग फिश लेफ्ट द वाटर, और अंधेरे में उसने फ्लाइंग फिश के कपकपाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि उसने पानी को छोड़ा हो। एंड द हिसिंग दैट देयर स्टिफ सेट विंग्स मेड एज दे सोर्ड अवे इन द डार्कनेस, और उनके सख्त परों की सरसराहट की आवाज़ जब वो पानी में उछली। ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग फिश, उसे फ्लाइंग फिश बहुत पसंद थी। एज देवर हिज प्रिंसिपल फ्रेंड्स ऑन द ओशन, वो समंदर पर उसकी मेन दोस्तें थीं। ही वॉज सॉरी फॉर द बर्ड्स, परिंदों के लिए वो हमेशा ही अफसोस महसूस करता। स्पेशली द स्मॉल डेलिकेट डार्क टंग्स, ख़ास तौर पर नरमो नाजुक सी समंदरी चिड़ियाँ, दैट वर ऑलवेज फ्लाइंग एंड लुकिंग एंड ऑलमोस्ट नेवर फाइंडिंग, जो कि हमेशा उड़ती रहती और देखती रहती और उन्हें कभी कुछ ना मिलता। एंड ही थॉट, और वो सोचता, द बर्ड्स वर आ हार्डर लाइफ दैन वी डू, कि परिंदों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी की नस्बत ज़्यादा सख्त है। एक्सेप्ट फॉर द रॉबर बर्ड्स, कुछ शिकारी परिंदों के अलावा, एंड द हैवी स्ट्रॉन्ग वंस, और बड़े बड़े मजबूत परिंदों के अलावा। वाई डिड दे मेक बर्ड्स सो डेलिकेट एंड फाइन, उन्होंने परिंदों को इतना नाजुक क्यों बनाया। एज दोज सी स्वेलोज, जैसे कि समंदरी बगले, वेन द ओशन कैन बी सो क्रूल, जबकि समंदर इतना जालिम था। शी इज़ काइंड एंड ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है और मेहरबान भी। ये वो समंदर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, शी का वर्ड यूज़ कर रहा है समंदर के लिए। बट शी कैन बी सो क्रूल एंड इट कम्स सो सडनली, लेकिन वो कभी कभार बहुत ज़ालम भी हो जाती है और ऐसा अचानक होता है। एंड सच बर्ड्स दैट फ्लाई डिपिंग एंड हंटिंग, और वो परिंदे जो कि हंट
शिकार कर रहे होते हैं और छलांगे लगा रहे होते हैं, विद देयर स्मॉल सैड वॉइसेस आर मेड टू डेलिकेटली फॉर द सी। तो वो नाजुक से परिंदे समंदर के हिसाब से बहुत नरम नाजुक हैं। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द सी एज लामर, वो हमेशा समंदर को अपनी महबूबा के तौर पे लेता। लामर जो है एक स्पेनिश वर्ड है जो कि महबूबा के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज़ वट पीपल कॉल हर इन स्पेनिश। ये स्पेनिश में लोग उसे बुलाते व्हेन दे लव हर, जब वो उसे मोहब्बत करते। समटाइम्स दोज़ हु लव हर से बैड थिंग्स ऑफ हर, कभी कभार जो उससे मोहब्बत करते उसके लिए बुरी चीज़ें भी बोलते, बट दे आर ऑलवेज सैड एज दो शी वर अ वेमैन, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही कही जाती हैं जैसे कि वो एक औरत होती है। ये समंदर के लिए बात हो रही है। सम ऑफ द यंगर फिशरमैन, कुछ नौजवान मछेरे, दोज हु यूज़ बॉयज़ एज फ्लोट्स फॉर देयर लाइन्स, जो कि अपनी डोरियों के लिए, रस्सियों के लिए इशारे इस्तेमाल करते, एंड हैड मोटर बोट्स, और उनके पास मोटर बोट्स थी। बॉट वेन द शार्क लिवर्स हैड ब्रॉट मच मनी, जो उन्होंने तब खरीदी थी जब शार्क के लिवर बेचने की वजह से उनके पास बहुत पैसा आ गया था। स्पोक ऑफ हर एज एलमर, तो वो उसके बारे में ऐसे बात करते जैसे वो कोई मर्द होता है, विच इज़ मैस्कुलिन। एलमर भी अ स्पेनिश वर्ड है जो कि मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, मर्द के लिए यूज़ होता है। दिस स्पोक ऑफ हर एज अ कॉन्टेस्टेंट और अ प्लेस और इवन एन एनिमी, तो उसके बारे में ऐसे बात करते जैसे वो कोई उनका मुकाबिल हो या कोई जगह या दुश्मन, समंदर के बारे में बात करते। बट द ओल्ड मैन ऑलवेज थॉट ऑफ हर एज फेमिनन, लेकिन बुरा शख्स उसे हमेशा एक औरत के तौर पे लेता, एंड एज समथिंग दैट गेव और विथ हेल्ड ग्रेट फेवर्स, और ऐसी औरत जो कभी कभार अता करती है या अपने अनायात वापस भी ले लेती हैं। एंड इफ़ शी डिड वाइल्ड और विकेड थिंग्स, और अगर वो जालमाना या बुरी चीज़ें करती थी, इट वॉज़ बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प इट, तो ये इस वजह से था कि वो इससे बच नहीं सकती थी। द मून इफेक्ट्स हर एज इट डज ए वुमेन, ही थॉट, वो हमेशा सोचता कि चांद जो है समंदर पर ऐसे ही असरअंदाज होता है जैसे कि वो एक औरत पर। ही वॉज रोइंग स्टडीली, वो बड़े मुतवाजन अंदाज से कश्ती चला रहा था, एंड इट वॉज नो एफर्ट फॉर हिम सिंस ही केप्ट ऑल विद इन हिज स्पीड, और उसे कोई ज़्यादा कुवत लगाना नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो बड़े आराम से हल्की सी रफ्तार से जा रहा था। एंड द सर्फेस ऑफ द ओशन वॉज फ्लैट, और पानी की सतह हमवार थी, एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल स्वल्स ऑफ द करंट, कभी कभार लहरों की वजह से भंवर पड़ने के अलावा। ही वॉज लेटिंग द करंट डू अ थर्ड ऑफ द वर्क, और वो लहरों को एक तीसरी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। एंड एज इट स्टार्टेड टू बी लाइट, और जब रोशनी होना शुरू हुई, ही सॉ ही वॉज ऑलरेडी फार्दर आउट, तो उसने देखा कि वो पहले ही बहुत दूर आ चुका है। देन ही हैड होप टू बी एट दिस आवर, जितने के उसे उस लम्हे आ जाने की उम्मीद थी। आई वॉक द डीप वेल्स फॉर अ वीक, मैंने एक हफ्ते तक गहरे कुओं के पास काम किया, एंड डिड नथिंग ही थॉट, और मुझे कुछ नहीं मिला, उसने सोचा। टुडे आई विल वर्क आउट वेयर द स्कूल्स ऑफ बोनीटा एंड एल्बकोर आर, अब मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ बोनीटा और एल्बकोर के ग्रोह पाए जाते हैं। बोनीटा और एल्बकोर जो हैं ये मछलियों की किस्में हैं, एंड मे बी देयर विल बी अ बिग वन विद देम, और हो सकता है उनके साथ कोई बहुत बड़ी मछली भी मौजूद हो। बिफोर इट वॉज रियली लाइट ही हैड हिज बेट्स आउट एंड वॉज ड्रिफ्टिंग विद द करंट, रोशनी निकलने से पहले ही उसने अपने चारे जो थे वो लगा दिए थे और वो लहरों के साथ साथ तैर रहे थे। वन बेट वॉज डाउन 40 फैदम्स, एक चारा जो है वो 40 फैदम की गहराई पर था। द सेकेंड वॉज एट 75, दूसरा 75 की गहराई पर, एंड द थर्ड एंड फोर्थ वर डाउन इन द ब्लू वाटर एट 100 एंड 125 फैदम्स, जबकि तीसरा 100 फैदम की गहराई पर था और चौथा चारा 125 फैदम की गहराई पर मौजूद था। ईच बेट हंग हैड डाउन विद द शैंक ऑफ द हुक इन साइड द बेट फिश, हर चारा जो है वो हुक के साथ नीचे की तरफ चारा मछली के साथ था। टाइट एंड स्यूट सॉलिड, जो कि उसके साथ बड़ी अच्छी तरह से पिरोई गई थी और बंधी हुई थी। एंड ऑल द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द हुक, द कर्व एंड द पॉइंट, और हुक का उभरा हुआ हिस्सा और उसका कर्व और उसका नुकीला हिस्सा वॉज कवर्ड विद फ्रेश सार्डिन्स, वो ताज़ा सार्डिन्स के साथ कवर किया गया था। ईच सार्डिन
was hooked through both eyes so that they made a half garland on the projecting tail. हर सार्डिन जो है उसे सर के दरमियान, दोनों आँखों के दरमियान से हुक किया गया था, हत्ता कि वो उस उभरे हुए स्टील के हिस्से पर एक आधे हार की तरह लिपटी हुई थी. देर वॉज नो पार्ट ऑफ द हुक दैट अ ग्रेट फिश कुड फील विच वॉज नॉट स्वीट स्मेलिंग एंड गुड टेस्टिंग. अब हुक का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो कि किसी बड़ी मछली के लिए खुश जायका और अच्छी खुशबू वाला उसे महसूस ना होता. द बॉय हैड गिव हिम टू फ्रेश स्मॉल ट्यूनास और एल्बाकोर्स. लड़के ने उसे दो छोटी ट्यूना जो एल्बाकोर थी वो दी थी. अच्छा, जो मछेरे हैं वो हर फिश जो है, फिश की हर किस्म को ट्यूना ही बुलाते हैं, मास्वा इसके कि जब वो मार्केट में उन्हें सेल करने के लिए जाते हैं तो तब उनके नाम से उनको बुलाते हैं, अदरवाइज वो हर फिश को ट्यूना ही बोलते हैं. विच हंग ऑन द टू डीपेस्ट लाइन्स लाइक प्लम्पेट्स. और उसने जो लड़के ने उसको ट्यूना दी थी वो प्लम्पेट्स की तरह हुक्स के ऊपर लटकी हुई थी. प्लम्पेट होता है कांटे के साथ बांधा गया वजन. एंड ऑन द अदर हैंड ही हैड अ बिग ब्लू रनर एंड अ येलो जैक दैट हैड बीन यूज बिफोर. जबकि दूसरियों पर उसने वो जैक और रनर इस्तेमाल किए थे जो कि पहले भी इस्तेमाल कर चुका था, बट दे वर इन गुड कंडीशन स्टिल. लेकिन वो अभी भी अच्छी हालत में थे एंड हैड द एक्सीलेंट सार्डिन्स टू गिव देम सेंट एंड अट्रैक्टिवनेस. और उनके ऊपर बेहतरीन सार्डिन्स लगी थी उनको खुशबू देने के लिए और उनकी दिलकशी बढ़ाने के लिए. ईच लाइन एज थिक अराउंड एज अ बिग पेंसिल. हर डोरी जो है वो इतनी मोटी थी जितनी एक बड़ी पेंसिल. वॉज लूप ऑन टू अ ग्रीन सैप स्टिक और उसके गिर्द उप एक सब्ज जो है शाख बांधी गई थी सो दैट एनी पुल और टच ऑन द बेट वुड मेक द स्टिक डिप एंड ईच लाइन हैड ओके. ताकि अगर जो है चारे को कोई आके छेड़ता, उसको खाता या उसको छूता तो वो जो स्टिक थी वो पानी में डूब जाती और बुरे शख्स को पता चल जाता. एंड ईच लाइन हैड 240 फैदम क्वाइल्स और हर डोरी के साथ एक्स्ट्रा 80 फैदम लंबाई की रस्सियाँ थीं विच कुड बी मेड फास्ट टू द अदर स्पेयर क्वाइल जो जिनको बांधा जा सकता था दूसरी एक्स्ट्रा रस्सी के साथ सो दैट इफ़ इट वर नेसेसरी ताकि अगर ज़रूरत होती अ फिश कुड टेक आउट ओवर 300 फैदम्स ऑफ लाइन. तो हर मछली अपने साथ 300 फैदम लंबाई की रस्सी खींच के ले जा सकती थी. होता क्या था कि जब अगर कोई मछली फंसती थी और अगर कोई बहुत बड़ी मछली फंसती थी चारे को वो खाती थी और वो हुक हो जाती थी तो उसको फौरन नहीं खींचा जा सकता था क्योंकि मछली के जोर की वजह से और उसके वज़न की वजह से वो रस्सी टूट सकती थी. तो मछेरे क्या करते थे कि कुछ एक्स्ट्रा कॉइल्स अपने पास रखते थे और उसको उस डोरी के साथ बांध देते थे और जब जो मछली है उसे खींचती थी तो वो डोरी छोड़ते जाते थे यहाँ तक कि मछली जो थी वो थक जाती और फिर फाइनली जब उसके थकने के बाद वो उस रस्सी को वापस ऐसा ऐसा खींचते और बाद में मछली को के साथ मुकाबला करके उसको मार के और फिर उसको अपनी कश्ती में ले आते या उसके साथ बांध लेते. तो एक्स्ट्रा कॉइल्स जो थी वो रखी जाती थी, एक्स्ट्रा डोरियाँ रखी जाती थी, रस्सियाँ मजबूत रस्सियाँ रखी जाती थी जो है मेन जो कॉइल है उसके साथ बांधने के लिए. और बुरे शख्स के पास भी तकरीबन 300 फैदम की लंबाई की रस्सी मौजूद थी. नाउ द मैन वॉच द डिप ऑफ द 3 स्टिक्स ओवर द साइड ऑफ द स्किव एंड रोड जेंटली टू कीप द लाइन स्ट्रेट अप एंड डाउन एंड एट देयर प्रॉपर डेप्थ. अब आदमी ने तीनों, उसका ध्यान जो था वो तीनों स्टिक्स की तरफ था जो कि पानी में नीचे रस्सियों के साथ बंधी हुई थी और उसकी कोशिश थी कि वो उन रस्सियों को इतना सीधा रख सकें जितनी वो नीचे गहराई तक सीधी जा सकें. इट वॉज क्वाइट लाइट, अब रोशनी हो गई थी एंड एनी मोमेंट नाउ द सन वुड राइज और किसी भी लम्हे सूरज निकल आना था. द सन रोज थिनली फ्रॉम द सी. अब सूरज जो है वो निकल आया था समंदर से. एंड द ओल्ड मैन कुड सी द अदर बोट्स और बुरा शख्स दूसरी कश्तियों को देख सकता था. लो ऑन द वाटर, पानी पर कम गहराई पर. एंड वेल इन द टूवर्ड द शोर, साहिल की तरफ. स्प्रेड आउट अक्रॉस द करंट जो कि लहरों के साथ साथ फैली हुई थी. देन द सन वॉज ब्राइटर एंड ग्लेयर केम ऑन द वाटर
और तब सूरज मज़ीद चमकना शुरू हो गया, मज़ीद रोशन हो गया, और उसकी रोशनी जो है वो पानी में से मुनक्किस होकर आने लगी। एज इट रोज क्लियर, जब वो ज़्यादा ऊंचा आ गया, द फ्लैट सी सेंट इट बैक एट हिज आइज़, और समंदर की हमवार सतह ने इसकी रोशनी को मुनक्किस करके उसकी आंखों की तरफ भेजा, सो दैट इट हर्ट शार्पली, कि वो उसे बुरी तरह से हर्ट करने लगी। एंड ही रोड विदाउट लुकिंग इनटू इट, और वो उसमें देखे बगैर कश्ती चलाता रहा। ही लुक डाउन इनटू द वाटर एंड वॉच द लाइन्स दैट वेंट स्ट्रेट डाउन इनटू द डार्क ऑफ द वाटर, वो पानी की तरफ देख रहा था और उन रस्सियों की तरफ जो कि बिल्कुल सीधी नीचे गहराई में, पानी की गहराई में जा रही थी। ही कैप्ट देम स्ट्रेटर देन एनी वन डिड, उसने उन्हें बिल्कुल सीधा रखा हुआ था किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से। सो दैट एट ईच लेवल इन द डार्कनेस ऑफ द स्ट्रीम देयर वुड बी अ बेट वेटिंग एग्जैक्टली वेयर ही विश्ड इट टू बी फॉर एनी फिश दैट स्वैम देयर, ताकि पानी की गहराई में नीचे की तरफ हर चारा किसी भी आने वाली मछली के लिए एग्जैक्ट उसी जगह पर मौजूद हो जहाँ वो चाहता था कि वो हो। अदर्स लेफ्ट देम ड्रिफ्ट विद द करंट एंड समटाइम्स दे वर एट 60 फैदम्स व्हेन द फिशरमैन थॉट दे वर एट 100। जबकि दूसरे मछेरे क्या करते थे, वो अपनी डोरियों को पानी के साथ लहरों के साथ बह जाने देते थे, उनको सीधा नहीं रखते थे। तो उसे होता क्या था कि वो अक्सर 60 फैदम की गहराई पर होती थी, जबकि मछेरे समझते थे कि वो 100 फैदम की गहराई पर हैं। लेकिन बूढ़ा शख्स क्योंकि एक माहिर मछेरा था, तो वो जानता था कि किस तरह से रस्सियों को उनकी एग्जैक्ट गहराई तक रखा जाता है। बट ही थॉट आई कीप देम विद प्रिसीजन, मैं उन्हें मुकम्मल सही तौर पे उस गहराई पर रखता हूँ। ओनली आई हैव नो लक एनी मोर, सिर्फ मेरे पास किस्मत ही नहीं है। बट हु नोज, लेकिन कौन जानता है, मे बी टुडे, हो सकता है आज। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन है। यहाँ हमें बुरे शख्स की ऑप्टिमिज्म नज़र आती है, उसकी खुश उम्मीदी नज़र आती है कि पिछले 84 दिन से वो कोई एक मछली भी नहीं पकड़ पाया, लेकिन इसके बावजूद वो नाउम्मीद नहीं है। उसे उम्मीद है कि वो मछली पकड़ेगा, और उसके ख्याल से हर दिन जो है एक नया दिन होता है और उसमें बहुत सारे इम्कान मौजूद होते हैं। इट इज़ बेटर टू बी लक्की, खुशकिस्मत होना अच्छा है, बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट, लेकिन मैं तैयार रहूँगा, देन वेन लक कम्स यू आर रेडी, ताकि जब किस्मत आए या किस्मत मेहरबान हो तो तुम तैयार हो। द सन वॉज 2 आवर्स हायर नाउ, अब सूरज जो है 2 घंटे और ऊपर आ चुका था। एंड इट डिड नॉट हर्ट हिज आईज सो मच टू लुक इन टू द ईस्ट, और मशरक़ की तरफ देखना अब उसकी आंखों को ज़्यादा ज़रर नहीं पहुंचा रहा था। देयर वर ओनली 3 बोट्स इन साइट नाउ, अब सिर्फ 3 कश्तियां ही नज़र आ रही थीं। एंड दे शोड वेरी लो एंड फार इन शोर, और वो भी बहुत नीचे और समंदर में बहुत दूर कहीं नज़र आ रही थीं। ऑल माई लाइफ द अर्ली सन हैज़ हर्ट माई आइज, मेरी पूरी ज़िंदगी सुबह निकलने वाला सूरज मेरी आंखों को तकलीफ़ देता रहा। ही थॉट, उसने सोचा, येट दे आर स्टिल गुड, इसके बावजूद मेरी नज़र अभी अच्छी है। इन द इवनिंग आई कैन लुक स्ट्रेट इनटू इट विदाउट गेटिंग द ब्लैकनेस, शाम के वक़्त मैं सीधा सूरज की तरफ देख सकता हूँ किसी भी धुंधलाहट के बगैर। इट हैज़ मोर फोर्स इन द इवनिंग टू, अगरचे शाम में भी इसमें बड़ी ताकत होती है, बट इन द मॉर्निंग इट इज़ पेनफुल, लेकिन सुबह इसको देखना तकलीफ दे होता है। जस्ट देन ही सॉ अ मैन ऑफ वॉर बर्ड विद हिज लॉन्ग ब्लैक विंग्स सर्कलिंग इन द स्काई अहेड ऑफ हिम, और तभी अचानक उसने एक बड़ा शिकारी परिंदा देखा जो कि बड़े चक्कर लगा रहा था आसमान पर उसके बिल्कुल सामने। ही मेड अ क्विक ड्रॉप, उसने अचानक गोता लगाया, स्लांटिंग डाउन ऑन हिज बैक स्वेप्ट विंग्स, अपने पिछले परों पर तिरछा तैरता हुआ, एंड देन सर्कल अगेन, और दोबारा से चक्कर लगाने लगा। ही हैज़ गॉट समथिंग, उसे कुछ मिला है, द ओल्ड मैन सेड अलाउड, बुरे शख्स ने ऊंची आवाज़ में कहा। ही इज़ नॉट जस्ट लुकिंग, वो सिर्फ देख नहीं रहा, उसको कुछ मिल गया है। ही रोड स्लोली एंड स्टडीली टूवर्ड वेयर द बर्ड वॉज सर्कलिंग, वो आहिस्ता से लेकिन मुतवाजन रफ्तार से उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ परिंदा चक्कर लगा रहा था। ही डिड नॉट हरी एंड ही कैप्ट हिज लाइन स्ट्रेट अप एंड डाउन,
उसने जल्दी नहीं की और अपनी रस्सियों को बिल्कुल सीधा रखा। बट ही क्राउडेड द करंट अ लिटल सो दैट ही वॉज स्टिल फिशिंग करेक्टली दो फास्टर देन ही वुड हैव फिश इफ ही वॉज नॉट ट्राइंग टू यूज़ द बर्ड। तो उसने थोड़ा तेज़ी से पानी को काटना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसके चारे बिल्कुल सीधे थे, लेकिन उस रफ्तार से ये रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा थी कि अगर वो परिंदे की मदद के बगैर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता तो। द बर्ड वेंट हायर इन द एयर, जो परिंदा है वो वापस हवा में ऊंचा चला गया एंड सर्कल अगेन। उसने दोबारा से चक्कर लगाया, हिज विंग्स मोशनलेस, उसके पर बेहरकत थे। देन ही डोव स्टडली, अचानक उसने गोता लगाया एंड द ओल्ड मैन सॉ फ्लाइंग फिश स्पर्ट आउट। और बुरे शख्स ने फ्लाइंग फिश को जंपिंग जंप करते हुए ऊपर की तरफ देखा ऑफ द वाटर एंड सेल डेस्परेटली ओवर द सरफेस, और बेचैनी से उसे सतह पर तैरते हुए देखा। डॉल्फिन, द ओल्ड मैन सेड अल्लाह, बिग डॉल्फिन, वहाँ डॉल्फिन है, बड़ी डॉल्फिन। ही शिफ्ट हिज ओर्स एंड ब्रॉट अ स्मॉल लाइन, उसने अपने चप्पुओं को कश्ती में रखा, एक तरफ छोड़ा और फ्रॉम अंडर द बो कश्ती के अगले हिस्से से एक रस्सी निकाला निकाल कर ले आया। इट अ वायर लीडर एंड अ मीडियम साइज हुक, इसके साथ एक वायर लीडर लगा हुआ था और एक दरमियाने साइज की हुक लगी हुई थी। एंड ही बेटेड इट विद वन ऑफ द सार्डिन्स, और उसने सार्डिन में से एक चारा उसको लगाया। ही लेट इट गो ओवर द साइड एंड देन मेड इट फास्ट टू अ रिंग बोल्ट, और उसने उसको साइड से नीचे जाने दिया और फिर उसको रिंग बोल्ट के साथ बांध दिया इन द स्टर्न, कश्ती के पिछले हिस्से की तरफ। देन ही बेटेड अनदर लाइन, तब उसने एक और रस्सी को चारा बांधा। एंड लेफ्ट इट कॉइल इन द शेड ऑफ द बो, और उसे रस्सी कश्ती के अगले हिस्से में ही पड़ा रहने दिया। ही वेंट बैक टू रोइंग, और वो कश्ती चलाने लगा जाकर, एंड टू वॉचिंग द लॉन्ग विंग ब्लैक बर्ड, और बड़े परिंदों वाले स्याह परिंदे को देखने लगा। हु वॉज वर्किंग नाउ लो ओवर द वाटर, अब वो पानी पर बहुत नीचे उड़ रहा था। एज ही वॉच द बर्ड डिप्ड अगेन स्लांटिंग हिज विंग्स फॉर द डाइव, जब उसने परिंदे को दोबारा गोता लगाते हुए और परों को तिरछे अंदाज में चलाते हुए देखा। एंड देन स्विंगिंग दैम वाइल्डली एंड इन्फेक्चुएटली, और तब उन्हें फैलाते हुए बिला मकसद, एज ही फॉलोड द फ्लाइंग फिश, और वो फ्लाइंग फिश के पीछे पीछे जा रहा था। द ओल्ड मैन कुड सी द स्लाइट बल्ज इन द वाटर, तो बुरा शख्स पानी में हल्के से शोर की आवाज़ देख सकता था। दैट द बिग डॉल्फिन रेज, के बड़ी डॉल्फिन ऊपर आई एज दे फॉलोड द स्केपिंग फिश, और वो उस बच निकलने वाली फ्लाइंग फिश के पीछे थी। द डॉल्फिन वर कटिंग थ्रू द वाटर बिलो द फ्लाइट ऑफ द फिश, और जो डॉल्फिन फिश थी वो उस फ्लाइंग फिश के पीछे पीछे थी एंड वुड बी इन द वाटर, और पानी में ही कहीं नीचे वो चल रही थी, ड्राइविंग एट स्पीड, बहुत तेज़ी से तैर रही थी। व्हेन द फिश ड्रॉप, जब फ्लाइंग फिश ने पानी में दोबारा से जंप किया। इट इज़ अ बिग स्कूल ऑफ डॉल्फिन, ये बहुत बड़ा ग्रो है डॉल्फिन का, ही थॉट, उसने सोचा। दे आर वाइड स्प्रेड एंड द फ्लाइंग फिश हैव लिटिल चांस, वो बहुत फैले हुए हैं और फ्लाइंग फिश के बचने के बहुत कम चांस है। द बर्ड हैज़ नो चांस, और परिंदे का कोई चांस नहीं है उनको पकड़ने का। द फ्लाइंग फिश आर टू बिग फॉर हिम एंड दे गो टू फास्ट, फ्लाइंग फिश जो है वो परिंदे के हिसाब से बहुत बड़ी भी हैं और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज़ है। ही वॉच द फ्लाइंग फिश बर्स्ट आउट अगेन, उसने दोबारा से फ्लाइंग फिश को उछलते हुए देखा, अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड द इन इफेक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ द बर्ड, और परिंदे की बिला मकसद की हरकत को भी। दैट स्कूल हैज़ गॉटन अवे फ्रॉम मी, ये ग्रो मुझसे बहुत दूर जा चुका है, ही थॉट, उसने सोचा। दे आर मूविंग आउट टू फास्ट एंड टू फार, वो बहुत तेज़ी से और बहुत दूर तैर रहे हैं। बट परहैप्स आई विल पिक अप अ स्ट्रे, लेकिन हो सकता है मैं कोई भटकी हुई मछली पकड़ लूँ। एंड परहैप्स माई बिग फिश इज़ अराउंड दैम, और ये भी हो सकता है कि मेरी बड़ी मछली उनके आसपास ही कहीं हो। माई बिग फिश मस्ट बी समवेयर, मेरी बड़ी मछली को कहीं तो होना चाहिए। द क्लाउड्स ओवर द लैंड नाउ रोज लाइक माउंटेन्स, ज़मीन पर जो पहाड़ थे वो जो बादल थे ज़मीन के ऊपर ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि पहाड़। एंड द कोस्ट वॉज ओनली अ लॉन्ग ग्रीन लाइन, और साहिल जो था वो एक सब्ज़ लकीर की मानिंद नज़र आ रहा था। विद द ग्रे ब्लू हिल बिहाइंड हिम, उसके पीछे
उदी नीली पहाड़ियाँ नजर आ रही थीं। द वाटर वॉज अ डार्क ब्लू नाउ, पानी अब गहरे नीले रंग का था। सो डार्क दैट इट वॉज ऑलमोस्ट पर्पल, इतना गहरा कि वो तकरीबन अर्गवानी नजर आता था। एज ए लुक डाउन इंटू इट ही सॉ द रेड शिफ्टिंग ऑफ द प्लैंकटन इन द डार्क वाटर। जब उसने नीचे पानी की तरफ देखा तो उसे प्लैंकटन प्लांट जो है वो नज़र आया। प्लैंकटन जो है वो प्लांट की एक किस्म है जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, पानी की सतह पर तैरने वाले प्लांट। एंड द स्ट्रेंज लाइट द सन मेड नाउ, और अजीब सी रोशनी जो सूरज की उसके ऊपर पड़ने की वजह से बन रही थी। ही वॉच इज लाइन्स टू सी दैम गो स्ट्रेट डाउन आउट ऑफ साइट इन टू द वाटर, एंड ही वॉज हैप्पी टू सी सो मच प्लांकटन बिकॉज इट मैंट फिश। उसने फिर नीचे पानी की तरफ देखा ताकि उसके रस्सियाँ जो हैं, जो उसने डोरियाँ डाली हुई हैं, वो नीचे सीधा पानी गहराई में जा रही हूँ। और वो बहुत खुश था इतने सारे प्लैंकटन को देखकर, क्योंकि प्लैंकटन का वहाँ होना मतलब मछलियों का वहाँ होना। द स्ट्रेंज लाइट द सन मेड इन द वाटर नाउ दैट द सन वॉज हायर, अब सूरज अजीब सी रोशनी पानी में बना रहा था और सूरज काफ़ी ऊंचा आ गया था। मैन गुड वेदर, और ये अच्छे मौसम की अलामत थी। एंड सो डिड द शेप ऑफ द क्लाउड्स ओवर द लैंड, और ज़मीन के ऊपर जो बादल नज़र आ रहे थे वो भी इसी चीज़ की अलामत थी। बट द बर्ड वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, अब परिंदा जो है वो नज़र से दूर हो चुका था। नाउ एंड नथिंग शोड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर बट सम पैचेज ऑफ येलो सन ब्लीच सार्गोसो वीट एंड द, और पानी की सतह पर अब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मां सवाए कुछ सार्गोसो वीट के, जो ये भी ये समुद्री जड़ी बूटी है। एंड द पर्पल फॉर्मलाइज रेडिसेंट जेलेटिनस ब्लैडर ऑफ पुर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, और ये एक जैली नुमा मछली होती है, जेलीफिश जिसे कहा जाता है, जो कि चिपकने वाली और फूली हुई सी और रंग बिरंगी सी होती है, वो उसे नज़र आई फ्लोटिंग क्लोज बिसाइड द बोट, कश्ती के करीब ही तैरती हुई। इट टर्न्ड ऑन इट्स साइड एंड देन राइटेड इट्स सेल्फ, ये पहले अपनी साइड पे मुड़ी और फिर इसने इसको अपने आप को सीधा कर लिया। इट फ्लोटेड चेयरफुली एज अ बबल विद इट्स लॉन्ग डेडली पर्पल फिलामेंट्स ट्रेलिंग अ यार्ड बिहाइंड इट इन द वाटर, और ये पानी के ऊपर बिल्कुल एक बुलबुले की मानिंद तैरती हुई जा रही थी, और उसके लंबे लंबे से जहरीले फिलामेंट्स उसके पीछे आधे गज पीछे तक तैर रहे थे, लंबी लंबी उसकी टांगें। एक्वामाला, एक्वामाला डर्टी वाटर बैड वाटर, द मैन सेड यू वोर वोर प्रॉस्टिट्यूट, उसको गाली देता है और उसको एक्वामाला बोलता है। फ्रॉम वेयर ही स्वाम लाइटली अगेंस्ट हिज ओर्स ही लुक डाउन इन टू द वाटर, जब वो अचानक उसके चप्पू के पास से निकली तो उसने नीचे पानी में देखा एंड सॉ द टाइनी फिश दैट वर कलर्ड लाइक द ट्रेलिंग फिलामेंट्स एंड स्वैम बिटवीन दैम एंड अंडर द स्मॉल शेड द बबल मेड एट इट एज इट ड्रिफ्टेड, तो उसने उसके फिलामेंट्स के दरमियान में बहुत सी छोटी छोटी मछलियों को देखा जिनका रंग जो था वो बिल्कुल उसके फिलामेंट के रंग के माने था। दे वर इम्यून टू इट्स पॉइजन, और वो उसके जहर से महफूज थी। बट मैन वर नॉट, एंड वेन सम ऑफ द फिश फिलामेंट्स वुड कैच ऑन अ लाइन एंड रेस्ट देयर स्लाइमी एंड पर्पल वाइल द ओल्ड मैन वॉज वर्किंग अ फिश ही वुड हैव वेल्स एंड सोर्स ऑन हिज आर्म्स एंड हैंड्स, तो कभी कभार जब काम करते हुए रस्सी मछली पकड़ते हुए डोरी के साथ इस जेली फिश के फिलामेंट्स चिपक जाते जो पर्पल कलर के होते, और बाद में ये बूढ़े शख्स के हाथ या उसके बाजों को टच कर जाते तो उसकी जो है जिस्म पर बिल्कुल ऐसे जो है जख्म बन जाते जैसे कि एनहांस ऑफ द सॉर्ट दैट पॉइजन आईवी और पॉइजन ओक कैन गिव, जो कि एक जहरीली झाड़ी, पॉइजन आईवी जो है वह झाड़ी, जहरीली झाड़ी या किसी जहरीले दरख्त को छू लेने की वजह से बनते थे। बट दीज पॉइजनिंग्स फ्रॉम द एक्वामाला केम क्विकली एंड स्ट्रक लाइक अ फ्लैश, लेकिन ये जो पॉइजन होता था जो एक्वामाला की वजह से लगता था, ये अचानक और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता जैसे कि कोई कोड़ा आकर लगा हो। द इरिडेसेंट बबल्स वर ब्यूटीफुल, इसके रंग बिरंगे ये जो बबल्स थे, ये जो जेली फिश थी ये खूबसूरत थी। बट दे वर द फॉल्सेस्ट
थिंग्स इन द सी, लेकिन ये समंदर की सबसे झूठी चीज़ थी। मतलब ये कि वो देखने में खूबसूरत तो थे लेकिन जहरीले थे। एंड द ओल्ड मैन लव टू सी द बिग सी टर्टल्स ईटिंग दैम, और बूढ़ा शख्स कछुओं को जब इनको खाते हुए देखता तो उसे ये बहुत अच्छा लगता, उसे ये देखना बहुत अच्छा लगता था। द टर्टल सॉ देम, कछुओं ने देखते हैं, अप्रोच देम फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आगे बढ़ते, देन शट देयर आइज, सो दे वर कम्प्लीटली कैरापेस्ट, और अपनी आंखें बंद कर लेते और बिल्कुल वो बैरूनी खोल के अंदर होते, एंड एट देम फिलामेंट्स एंड ऑल, और उसके फिलामेंट्स को और उसको खा जाते। द ओल्ड मैन लव टू सी द टर्टल्स ईट देम, एंड ही लव टू वॉक ऑन देम ऑन द बीच आफ्टर अ स्टॉर्म, एंड हियर देम पॉप व्हेन ही स्टेप ऑन देम विद द हॉर्नी सोल्स ऑफ हिज फीट। बूढ़ा शख्स जो है उन कछुओं को उसे ये खाते देखना बहुत अच्छा लगता था, और समंदर के बाद साहिल पर चढ़ना भी, उनके ऊपर चढ़ना और उनके चटकने की आवाज़ को सुनना, और जब उसके पाँव उनके सख्त जो उसके सख्त तलवों वाले पाँव जो हैं उनके ऊपर पड़ते और वो जो चटकने की आवाज़ आती तो वो सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। ही लव ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक बिल्स, उसे सब्ज कछुए और उकाब के मानिक जो कछुए थे वो उनसे मोहब्बत करता था। विद देयर एलिगेंस एंड स्पीड, उनकी चाकोचबंदी और उनकी तेज़ी के वजह से, एंड देयर ग्रेट वैल्यू, और उनकी बहुत कीमती होने की वजह से, एंड ही हैड फ्रेंडली कंटेम्प्ट फॉर द ह्यूज स्टूपिड लॉगर हेड्स, और जो बड़े बड़े अहमक बड़े साइज़ के कछुए थे उनसे वो एक दोस्ताना नफरत रखता था। येलो इन देयर आर्मर प्लेटिंग, जो कि अपनी दिफाई खोल के अंदर जर्द नज़र आते, स्ट्रेंज इन देयर लव मेकिंग, और उनकी लव मेकिंग का अंदाज़ बहुत अजीब था, एंड हैप्पीली ईटिंग द पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर विद देयर आइज शट, और बड़ी खुशी से अपनी आंखें बंद करके पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर को खाते। ही हैड नो मिस्टिसिज्म अबाउट टर्टल्स, उसके कछुओं के मुतालिक कोई अफसानवी ख्याल नहीं थे। ऑल्दो ही हैड गोन इन टर्टल बोट्स फॉर मैनी ईयर्स, अगरचे वो कछुए पकड़ने वाली कश्तियों में बहुत अरसे तक कई सालों तक जाता रहा था। ही वॉज सॉरी फॉर देम ऑल, वो उनके लिए हमेशा बहुत अफसोस महसूस करता। इवन द ग्रेट ट्रंक बैग्स, हत्ता के बड़े बड़े खोलों वाले कछुओं के लिए भी, दैट वर एज लॉन्ग एज द स्किफ एंड वेट अ टन, जो कि इतने बड़े होते जितनी कि एक कश्ती, और उनका वजन टन के करीब होता। मोस्ट पीपल आर हार्टलेस अबाउट टर्टल्स बिकॉज अ टर्टल्स हार्ट विल बीट फॉर आवर्स आफ्टर ही हैज़ बीन कट अप एंड बुचर्ड। ज़्यादातर लोगों को कछुओं के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि जब कछुए को काट भी दिया जाता तो उसके बाद भी उसका दिल कई घंटों तक धड़कता रहता। बट द ओल्ड मैन थॉट आई हैव सच अ हार्ट टू, बुरा शख्स सोचता कि मेरा दिल भी कछुओं की मानिंद है। ही एट द एंड माई फीट एंड हैंड्स आर लाइक देयर्स, और मेरे हाथ और मेरे पाँव भी उनकी मानित हैं। ही एट द वाइट एग्स टू गिव हिमसेल्फ स्ट्रेंथ, वो उनके अंडे खाता था अपने आप को ताकत देने के लिए। ही एट दम ऑल थ्रू, वो उनको ऐसे ही खा जाता था। मे टू बी स्ट्रॉन्ग इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर फॉर द ट्रूली बिग फिश, शायद के सेप्टेम्बर और अक्टूबर में बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। ही ऑल्सो ड्रैंक अ कप ऑफ शार्क लीवर ऑयल ईच डे फ्रॉम द बिग ड्रम इन द शैक, और वो हर रोज़ जो है शार्क लीवर ऑयल भी पीता उस बड़े ड्रम से जो झोंपड़ी में रखी हुई थी, रखा हुआ था। वेयर मैनी ऑफ द फिशरमैन कैप्ट देयर गियर, जहाँ बहुत से मछेरे अपना सामान रखा करते थे। इट वॉज देयर फॉर ऑल फिशरमैन हु वॉन्टेड इट, और ये वहाँ पर पड़ा होता उन तमाम मछेरों के लिए जो इसे पीना चाहते थे। मोस्ट फिशरमैन हेटेड द टेस्ट, बहुत से मछेरों को इसका जायका पसंद नहीं था। बट इट वॉज नो वर्स देन गेटिंग अप एट द आवर्स दैट दे रोज, लेकिन वो इतनी सुबह उठने से बुरा तो नहीं था जितनी सुबह उन्हें उठना पड़ता था। एंड इट वॉज़ वेरी गुड अगेंस्ट ऑल कोल्ड्स एंड ग्रिप्स, और ये नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छा था। इट वॉज़ गुड फॉर द आइज़, और ये नज़र के लिए भी अच्छा था। नाउ द ओल्ड मैन लुक अप एंड सॉ दैट द बर्ड वॉज सर्कलिंग अगेन, अब बुरे शख्स ने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि परिंदा दोबारा से चक्कर लगा रहा था। ही हैज़ फाउंड फिश, ही सेड अलाउड, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, उसे मछली मिल गई है। नो फ्लाइंग फिश ब्रोक द सरफेस,
अब कोई भी फ्लाइंग फिश जो है सरफेस से बाहर नहीं आ रही थी, एंड देर वॉज नो स्केटरिंग ऑफ बेट फिश, और चारा मछलियाँ भी वहाँ फैली हुई नहीं थी। बट एज द ओल्ड मैन वॉच्ड, जैसे कि बुरे शख्स ने देखा, अ स्मॉल ट्यूना रोज इन द एयर, टर्न एंड ड्रॉप्ड हेड फर्स्ट इन टू द वॉटर। तो एक छोटी सी ट्यूना जो है वो उछली पानी से बाहर, और उसने अपना सर जो है दोबारा पानी में डाला। द ट्यूना शोन सिल्वर इन द सन, सूरज की रोशनी में वो नकरई नज़र आ रही थी। एंड आफ्टर ही हैड ड्रॉप बैक इन टू द वाटर, और जब वो पानी में वापस चली गई, एंड अदर रोज, एक और फिर एक और उभरी। एंड देवर जंपिंग इन ऑल डायरेक्शन, वो हर तरफ जंप कर रही थी, चर्निंग द वाटर, पानी को ब्लो रही थी, एंड लीपिंग इन लॉन्ग जंप्स आफ्टर द बेट, और चारे के पीछे लंबे लंबे जंप लगा रही थी। देवर सर्कलिंग इट एंड ड्राइविंग इट, वो इसके गिर्द दायरा बनाए हुए थी और उसको भागने पर मजबूर कर रही थी। इफ़ दे डू नॉट ट्रैवल टू फास्ट आई विल गेट इन टू दैम, अगर ये इतनी तेज़ ना तैरें तो मैं शायद इनको पकड़ लूँ, द ओल्ड मैन, इन तक पहुँच जाऊँ, द ओल्ड मैन थॉट, बुरे शख्स ने सोचा। एंड ही वॉच द स्कूल वर्किंग द वाटर वाइट, एंड द बर्ड नाउ ड्रॉपिंग एंड डिपिंग इन टू द बेट फिश दैट वर फोर्स टू द सर्फेस इन देयर पैनिक। तो अब देख उसने देखा मछलियों का ग्रोह जो है वो पानी पर तेज़ी से तैर रहा था, जिसकी वजह से पानी सफ़ेद हो गया था, और परिंदा बार बार जंप कर रहा था और गोते लगा रहा था और बेट फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि अपनी परेशानी में अब समंदर की सतह पर ही तैर रही थी। द बर्ड इज़ अ ग्रेट हेल्प, द ओल्ड मैन सेड, बुरे शख्स ने कहा, परिंदा एक बड़ा मददगार है। जस्ट देन द स्टर्न लाइन केम टॉट अंडर हिज फुट, और फिर अचानक ही वो पीछे की कश्ती के पिछली तरफ जो उसने रस्सी बांधी हुई थी वो उसके पाँव के नीचे से तन गई। वेयर ही हैड कैप्ट आ लूप ऑफ द लाइन, जहाँ उसने गुच्छा रखा था, एंड ही ड्रॉप्ड हिज ओर्स, और उसने अपने चप्पुओं को छोड़ा, एंड फेल्ट द वेट ऑफ द स्मॉल ट्यूनाज शिवरिंग पुल, और ट्यूना के कपकपाहट के खिंचाव जो है महसूस किया, एज ही हेल्ड द लाइन फॉर्म, जब उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ा, एंड कमेंस टू हॉल इट इन, और उसको खींचना शुरू किया अपनी तरफ। द शिवरिंग इंक्रीज, उसकी थरथराहट बढ़ती गई, एज ही पुल्ड इन, जब उसने उसको खींचा, एंड ही कुड सी द ब्लू बैक ऑफ द फिश इन द वाटर, और पानी में उसको मछली की पुश्त नज़र आ रही थी, एंड द गोल्ड ऑफ हिज साइड बिफोर ही स्वांग हिम ओवर द साइड एंड इन टू द बोट, और उसकी साइडों का सुनहरी रंग नज़र आ रहा था जब उसने उसको खींच के कश्ती में डाला। ही ले इन द स्टर्न इन द सन, वो कश्ती के पिछले हिस्से की तरफ सूरज की रोशनी में पड़ी थी, कॉम्पैक्ट एंड बुलेट शेप, जो कि बुलेट की शक्ल की थी। हिज बिग अन इंटेलिजेंट आइज स्टेरिंग एज ही थम्ड हिज लाइफ, और उसकी आंखें जो थी देख घूर रही थी, और जब उसने अपनी ज़िंदगी दी आउट अगेंस्ट द अपनी जान दे दी आउट अगेंस्ट द प्लैंकिंग ऑफ द बोट विद द क्विक शिवरिंग स्ट्रोक ऑफ हिज नीट फास्ट मूविंग टेल, अपनी तेज तेज हिलती हुई दुम को उसने कश्ती के तख्तों के अगेंस्ट मार मार कर जब उसने अपनी जान दी। द ओल्ड मैन हिट हिम ऑन द हेड फॉर काइंडनेस एंड किक्ड हिम, और बुरे शख्स ने मेहरबानी के तौर पे उसको सर पे मारा और उसको जो है धकेल दिया। हिज बॉडी स्टिल शडरिंग, उसका जिस्म अभी भी थरथरा रहा था, अंडर द शेड ऑफ द स्टर्न, कश्ती के पिछले हिस्से के शेड में, सॉरी अलबकोर, ही सेड अलाउड, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अलबकोर, ही विल मेक अ ब्यूटीफुल बेट, ये एक बड़ा अच्छा चारा बनेगी। ही विल वेट 10 पाउंड्स, इसका वज़न 10 पाउंड के करीब होगा। ही डिड नॉट रिमेंबर वेन ही हैड फर्स्ट स्टार्टेड टू टॉक अलाउड वेन ही वॉज बाई हिमसेल्फ, उसे नहीं याद कब पहली दफ़ा उसने अपने आप से बातें करना शुरू की थी जब वो अकेला होता था। ही हैड संग वेन ही वॉज बाई हिमसेल्फ इन द ओल्ड डेज, जब वो पहले अकेला होता था तो वो गाने लगता था। एंड ही हैड संग एट नाइट समटाइम्स वेन ही वॉज अलॉन्ग स्टीरिंग ऑन हिज वॉच इन द स्मैक्स और इन द टर्टल बोट्स, और वो रात के टाइम जब अकेला होता अपनी कश्ती में तो वो गाने लगता। ही हैड प्रोबेबली स्टार्टिंग टू टॉक अलाउड वेन अलोन
when the boy had left. शायद उसने तब अकेले बातें करना शुरू किया था, खुद गुलामी शुरू कर दी थी जब लड़का उसको छोड़ के चला गया था. बट ही डिड नॉट रिमेम्बर, लेकिन उसे याद नहीं था. वेन ही एंड द बॉय फिश टुगेदर, जब वो और लड़का इकट्ठे मछलियाँ पकड़ते, दे यूजली स्पोक ओनली वेन इट वॉज नेसेसरी. तो वो हमेशा सिर्फ तभी बात करते जब इसकी बहुत ज़रूरत होती. दे टॉक्ड एट नाइट, वो रात को बात करते, और वेन दे वर स्टॉर्म बाउंड बाय द बैड वेदर, या बुरे मौसम की वजह से तूफान के आने का खदशा होता. इट वॉज कंसिडर्ड अ वर्चू नॉट टू टॉक अननेसेसरीली एट सी. समंदर पर बिला ज़रूरत ना बोलना एक नेकी तसव्वुर किया जाता था. एंड द ओल्ड मैन हैड ऑलवेज कंसिडर इट सो एंड रिस्पेक्टेड इट. और बूढ़े शख्स ने हमेशा ये इसे ऐसा ही समझा था और इस बात का एहतराम किया था. बट नाउ ही सेड हिज थाट्स अलाउड मैनी टाइम्स. लेकिन अब वो बहुत दफ़ा अब ऊंची आवाज़ में अपनी सोचों को दोहराने लगता. सिंस देर वॉज नो वन दैट दे कुड एनाई, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं होता था जिसको वो उसे उसकी नाराज़गी का खदशा होता. इफ़ द अदर्स हेयर्ड मी टॉकिंग आउट लाउड दे वुड थिंक दैट आई एम क्रेजी, ही सेड अलाउड. उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अगर कोई दूसरा मुझे ऐसे ऊंची आवाज़ में बातें करता हुआ सुने तो वो समझे मैं पागल हूँ. बट सिंस आई एम नॉट क्रेजी आई डू नॉट केयर. लेकिन चूंकि मैं पागल नहीं हूँ तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है. एंड द रिच हैव रेडियोज टू टॉक टू दैम. और अमीरों के पास तो रेडियो होते हैं जो उनसे बातें करते हैं इन देयर बोट्स, अपनी कश्तियों में. एंड टू ब्रिंग दैम द बेसबॉल, या बेसबॉल के बारे में खबरें लाने के बारे में. नाउ इज़ नो टाइम टू थिंक ऑफ बेसबॉल. लेकिन अब बेसबॉल के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, ही थॉट, उसने सोचा. नाउ इज़ द टाइम टू थिंक ऑफ ओनली वन थिंग. अब सिर्फ एक ही बात सोचने का वक्त है, दैट विच आई वॉज बॉर्न फॉर, जिसके लिए मैं पैदा हुआ. देयर माइट बी ए बिग वन अराउंड दैट स्कूल, ही थॉट. उसने सोचा कि उस ग्रोह के पास हो सकता है कोई बड़ी मछली हो. आई पिक्ड अप ओनली अ स्ट्रैगलर फ्रॉम द एल्बाकोर. मैंने एल्बाकोर्स का एक बिछड़ा हुआ साथी पकड़ा है, दैट वर फीडिंग, जो कि खा रही थी. बट दे आर वर्किंग फार आउट एंड फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज़ और बहुत दूर जा रही हैं. एवरी थिंग दैट शोज ऑन द सर्फेस टूडे ट्रैवल्स वेरी फास्ट एंड टू द नॉर्थ ईस्ट. हर चीज़ जो आज सतह पर नज़र आ रही थी बहुत तेज़ चल रही थी और शुमाल जनूब की तरफ उसका रुख था. कैन दैट बी द टाइम ऑफ द डे, ये उस दिन के किसी मखसूस वक़्त की वजह से था, और इज़ इट सम साइन ऑफ वेदर दैट आई डू नॉट नो, या ये साल मौसम का कोई इशारा है जो कि मैं नहीं जानता.